केमिस्ट्री में हम पढ़ लिए थे रासायनिक अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक। एक बार मोटे मोटे तरीके से ब्रीफ कर रहा हूँ, समझ लो, इधर सुना भी जाएगा। रासायनिक जो अभिक्रिया हो, क्या हो, जो रासायनिक अभिक्रिया हो, जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग हो, वेग वेग क्या हो, तो समझाया गया था। सुन लो भाई, सुन लो, एकांक समय में अभिकारक की जो मात्रा, एकांक समय में अभिकारक की जो मात्रा क्रिया फल में बदलती है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। समझाया गया था। मैंने कहा था बेटे, यू लिखा हुआ ए, प्लस के लिखा हुआ बी, एरो लिखा हुआ सी, आया समझ में, ऐसे लिखा हुआ। तो अभिकारक की जो मात्रा क्रिया फल में बदलती होगी एकांक समय में, उसे रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। दूसरे तरीके से रासायनिक अभिक्रिया का वेग को हम ऐसे भी डिनोट करने को कहा था मैंने, ये कहा था कि हम ऐसे तो लिख सकते थे माइनस के डी ए अपोन में डी टी, यानी अभिकारक और जो क्रिया फल ऐसे भी लिख सको बराबर माइनस के डी बी अपोन डी टी, लिख नहीं सकते, उसके बाद बराबर डी सी अपोन डी टी, डी सी अपोन सी वाले के सामने प्लस लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो ये बताओ। तो एकांक समय में जो अभिकारक और क्रियाफल की जो मात्रा, अभिकारक और क्रियाफल की मात्रा में जो भी परिवर्तन होता है, एकांक समय में अभिकारक और क्रियाफल की मात्रा में जो भी परिवर्तन होता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे, मात्रा की बताया था, क्योंकि जो सांद्रता हो ना, सांद्रता का मात्रक हो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक हो सेकेंड, सेकेंड, तो इसका मात्रक भी लिखवाया था मैंने कि मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, जिसके पीछे लिखा लिखा दिखा जाना समझ जाओ, वो रासायनिक अभिक्रिया का वेग का मात्रक होगा। इतनी बात बताओ, समझ में आए। अगर रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालना हो, रासायनिक अभिक्रिया की दर निकालनी हो, तो ये समझ जाओ बिना सांद्रता के निकाल नहीं सकते तुम। जब तक तुम अभिकारकों की सांद्रता नहीं बताओगे ना, अभिकारकों की, तो रासायनिक अभिक्रिया का दर नहीं निकल सकता। अगर निकालनी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालना है, दर निकालनी, वेग कह दो, दर कह दो, तो तुम अभिकारक की और क्रियाफल की, ये तो अभिकारक हो, ये क्रियाफल हो, अभिकारक की और क्रियाफल की सांद्रता पता होनी चाहिए। यानी ऐसा कह सकते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है ना, दर, वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। समझ, किस पर निर्भर करता, अभिकारक की सांद्रता पर। इतनी बात बताओ, समझ में आया, नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालना हो, तो जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता होगा, इसके बाद ही तो ये बनना होगा, आया समझ में। तो रासायनिक अभिक्रिया का, अब रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में तीन बातें बताई मैंने, ध्यान से सुन लेना। नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। नंबर दो, रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या हो। नंबर तीन, रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता होगा। तीनों बात समझ में आई, तीनों सुनने वाला हो रहा हूं अभी, पूछूंगा बेटे बताओ रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। गुरुजी आपने बताया कि जो रासायनिक एकांक समय में ना अभिकारक और क्रियाफल होगा, या तो अभिकारक हो या क्रियाफल हो, उसकी जो भी मात्रा में परिसान, उसकी सांद्रता में जो भी परिवर्तन होगा, एकांक समय में अभिकारक और क्रियाफल की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। लिख ले जाओगे, सुना भी दोगे, बताओ क्या बताया। अभिकारक तथा क्रियाफल की जो भी परिवर्तन आता है, इसे इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे नंबर की क्या बात बताई, इसका मात्रक क्या होता है, सेटिंग नहीं, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स होता है। तीसरे नंबर पर क्या बात बताई, तीन बातें बताई, नहीं बोल रही, इंस्टाग्राम चला, एनआईसी बाहर घूम, एनआईसी बाहर खड़ा हो रहा, बाहर खड़ा होने का टाइम। तीसरी बात क्या बताई, दर, किस पिक संदर्भ, किसकी संदर्भ, बैठ जा, पढ़ो बेटे। तीसरी बात क्या बताई रासायनिक अभिक्रिया के दर के बारे में, आराम से बताना, निर्भर कर, किस पर निर्भर करती है, पढ़ो। दूसरी बात क्या बताई, मात्रक, बैठ जा। रासायनिक अभिक्रिया की वेग की पर क्या परिभाषा हो, एकांक समय में तीनों बात समझ में आई किसी छात्र को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम,
अगर मैं कहने लगूं बताओ रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में तुमको कितनी बातें पता, तो तीन बातें पता, यस और नो? लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में भले ही तुम्हें तीन बातें पता हो, एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी हो ना, उसका अगर वेग नियम लिखना हो तो वेग नियम ऐसे लिखते हैं, आर बराबर के ब्रैकेट ए की सांद्रता ब्रैकेट बी की सांद्रता, ऐसे लिखते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया का दूर लिखना है। दूसरा तरीका, ऐसे नियम को हम वेग नियम कहते हैं, वेग नियम, वेग नियम, ये वेग व्यंजक मंजन नहीं व्यंजक। बताओ एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी हो उसका वेग नियम लिख दोगे क्या? इसे हम दूसरी भाषा में दर नियम भी कहते हैं, दर नियम, दर नियम, वेग नियम, वेग व्यंजक, दर व्यंजक, बहुत सारे नाम। इतना बताओ समझ में आया नहीं? एक किताब जरूर पढ़ जाएगी केमिस्ट्री के साथ में लगाकर, चैप्टर को जाकर घर जाकर बुक से पढ़ना चाहिए, उसके सारे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब देखो घर जाकर, कुछ एडवांस ही दिखाई देगा। समझ, एक बुक जरूर पढ़नी चाहिए बच्चों, एक साल में एक बार, आर बराबर के इंटू ए की सांद्रता बी की सांद्रता, आराम से लिख दोगे। इसे बोल लेंगे वेग नियम या वेग व्यंजक। तो जिसमें आर है ना, आर का नाम ही रासायनिक अभिक्रिया की दर हो, और दर के बारे में भी पढ़ा हमने, ऐसे भी कह सकते जैसे पहले बताया, यू भी रासायनिक अभिक्रिया की दर ही, यू वेग भी नियम हो बस, जिसमें जो किया है ना इसका नाम हो वेग स्थिरांक। और मैंने कहा था वेग स्थिरांक क्या हो, ये अभिकारक, अभिकारक नहीं हो और ये क्रियाफल उनकी सांद्रता अगर एक मोल प्रति लीटर हो, एक मोल प्रति लीटर, तो रख दो इसमें आर बराबर कितना बैठेगा, के इंटू एक इंटू एक, तो आर बराबर कितना बैठेगा के, यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बन चुका है। रासायनिक अभिक्रिया की दर ही ना रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बन चुका, पता कब बन चुका, जब अभिकारक की सांद्रता एक मोल प्रति लीटर हो। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ना अभिकारक की सांद्रता एक मोल प्रति लीटर हो, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर हो ना वही रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हो। दोबारा फिर समझा रहा हूँ परिभाषा, सुनूंगा याद रखना, जब अभिकारकों की सांद्रता ना एक मोल प्रति लीटर हो, एक कितनी हो, एक मोल प्रति लीटर, जब अभिकारक की सांद्रता एक मोल प्रति लीटर हो, तब अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। वेग स्थिरांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होता है, होता है कैसे मैं बताऊंगा, समझ में आया बात या? इसका कोई मात्रक नहीं होता फिक्स, अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग होगा। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो आंसर अलग, इसका मात्रक अलग होगा, के का मान, के का नाम क्या है, वेग स्थिरांक। दूसरा नाम अभिक्रिया की विशिष्ट दर, अभिक्रिया की विशिष्ट दर, ये सारी बातें तुम्हें याद आने वाली, समय सबसे बड़ी चीज रिवीजन हो, याद रखना। तो ये बताओ के का मान समझ में आया, के का नाम क्या होगा, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या अभिक्रिया की विशिष्ट दर, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? तो वेग स्थिरांक पता लगा लो, वेग स्थिरांक क्या हो, तो वेग स्थिरांक पूछने लगे, तो वेग स्थिरांक वो वेग हो जब अभिकारक की सांद्रता एक मोल प्रति लीटर हो, वेग स्थिरांक ना अभिक्रिया का वो वेग हो जब अभिकारक की सांद्रता एक मोल प्रति लीटर हो, ऐसे भी कह सक, एक चीज कहने कई तरीके, ऐसे कह लो, ऐसे कह लो, ऐसे भी कह सक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता एक मोल प्रति लीटर हो तब रासायनिक अभिक्रिया की दर ही रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये पहला पॉइंट होगा इसका, पहला पॉइंट याद हो जाएगा, दोबारा फिर बता रहा हूँ, पूछूंगा वेग स्थिरांक क्या हो, जी भाई जी कुछ भी नहीं होता, जो रासायनिक अभिक्रिया हो ना उसमें रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हो अगर उनकी सांद्रता एक मोल प्रति लीटर हो तो जो रासायनिक अभिक्रिया का दर हो ना वही वेग स्थिरांक कहलाता। मैंने कहा बेटे इसका मात्रक बताओ क्या हो, जी कुछ भी नहीं आता भाई जी, इसका मात्रक तो आपने बताया प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए अलग अलग होगा, अगर जो रासायनिक अभिक्रिया शून्य कोटि की हुई तो उसके लिए अलग होगा, द्वितीय कोटि की हुई, प्रथम कोटि की होगी, तृतीय कोटि की, अलग 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 अभिक्रिया के लिए अलग अलग मात्रक हो, इतनी बात बतानी है आपको। मात्रक तो नहीं है इसका वेग स्थिरांक का, है अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग हो, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है, वेग स्थिरांक के बारे में इतनी बातें पता लगी क्या? दूसरी बात, दो बातें होगी वेग स्थिरांक के बारे में, नंबर फर्स्ट वेग स्थिरांक क्या हो, नंबर दो वेग स्थिरांक का मात्रक अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग हो, तीसरी बात आर का मान के का मान निकालने चाहते हो तो के का मान इस पर थोड़ा ही निर्भर कर रहा है, आर का मान अभिकारक के संदर्भ में निर्भर कर रहा है, इसका मतलब जो के का मान है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि के का मान तो इधर लिखा हुआ, ये तो ऐसे थोड़ा जी के का मान कब निकाल सको तुम जब ये पता हो, इससे कोई मतलब नहीं है इसका, अगर ये चीज इधर लिखी होती तब कहते हैं यो ना जो के का मान वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा, इतनी बात बताओ समझ आई?
इसका मतलब है जो वेग स्थिरांक हो ना अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हो वो अभिकारकों की संदर्भ पर निर्भर नहीं करता। किसकी तरह? इसकी तरह रासायनिक अभिक्रिया की दर। मैंने कहा था ना रासायनिक अभिक्रिया की दर तो अभिकारकों की संदर्भ पर निर्भर करती है। दर तब तब निकालोगे जब अभिकारकों की संदर्भता पता होगी, के का मान पता होगा। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की संदर्भ पर निर्भर करती है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारकों की संदर्भ पर निर्भर नहीं करता है। कितनी बात समझ में आई? तीन। तो एक तो वेग हो, एक हो वेग स्थिरांक। क्या तुम्हें वेग के बारे में तीन बातें बता क्या थोड़ी देर पहले बताई? क्या तुम्हें वेग स्थिरांक के बारे में तीन बातें बता क्या अभी तो बताई? आया समझ में? तीन इधर बातें लिखनी, तीन बातें इधर लिखनी, दोनों में अंतर समझ में आएगा पेपर में आया हुआ लिखने को कि वेग और वेग स्थिरांक में अंतर लिखिए। लिख ले जाओगे वेग और वेग स्थिरांक में क्या लिखना? अंतर लिखिए। समझ में आया बात? या इसे रफली नोट कर लो, रफली नोट कर लो, यहाँ तक हल्का हल्का ही चलता फिरता रहने तो। पहले मुझे सुना दो सर वेग स्थिरांक क्या हो, पढ़ो वेग स्थिरांक बता दो। वेग स्थिरांक एक मोल प्रति लीटर क्या हो? कहीं से प्रदर्शित करते हैं उसको? अच्छा इसका मात्रक, मात्रक तीसरी बात क्या बताई? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर नहीं करता? खड़े हो कौन बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम। अब पेपर में कैसा सवाल आएगा? पेपर में जो सवाल आएगा वो मैं तुम्हें लिखवाने जा रहा हूँ, और तीन बातें इसकी लिखनी, तीन बातें इसकी लिखनी, वो मैंने बार बार रिपीट करके बता दी। वीडियो सब देख लिया, आराम से लिखना ना, क्वेश्चन लिखो, उत्तर खुद लिखना उसका, घर से लिखना उसका उत्तर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, रासायनिक अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर लिखिए। मैं तुम्हें व्हाट्सअप भी कर दूंगा। रासायनिक अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर लिखिए। कोई दिक्कत यहां तक? लिख ले जाओ उसका उत्तर। वेग के एक तरफ तो हेडिंग बनाओगे वेग, एक तरफ क्या बनाओगे? वेग स्थिरांक। तो वेग और वेग स्थिरांक में तीन तीन बातें इधर लिखनी, तीन बातें इधर लिखनी। लिख ले जाओगे, वीडियो भेज दूंगा ग्रुप में, वहां से निकाल लेना। नहीं तो ये डाटा जो लिखा हुआ ना सेम ऐसे जैसे मैं मोर का बताया, ये ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से कर लेना, कोई दिक्कत। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहां तो समझ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तो पेपर में सवाल आया हुआ, के का नाम पता लग गया क्या हो? वेग स्थिरांक या अभिक्रिया की विशिष्ट दर? तो वेग स्थिरांक हो या अभिक्रिया की विशिष्ट दर हो, इसका मात्रक क्या हो? अलग अलग वाले अलग अलग हो। अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ इसके लक्षण क्या हो। लक्षण, अब देखो लक्षण हो, मेरे भी कुछ लक्षण होंगे और तुम्हारे भी कुछ लक्षण होंगे। लक्षण का मतलब जिसे कभी बदल नहीं सकते, आया समझ में? जो तुम उसके अंदर होगा ही होगा, जो दिखाई देगा उसके अंदर वे लक्षण है, आया समझ में? हम कहने लगे ये लड़की लक्षण क्या हो? लापरवाही ज़्यादा, सोशल मीडिया का प्रयोग ज़्यादा करती है, 24 घंटे हाथ में मोबाइल फोन रहता, लक्षण है, आया समझ में? भांति भांति प्रकार के ऐप यूज़ करती है, स्नैपचैट यूज़ करके ऊपर जाकर वीडियो देख, लक्षण क्या है? लक्षण इस लड़की विशेषता बताओ क्या है? इंस्टाग्राम का फॉलोअर्स, आया समझ में? चाह कभी इंस्टाग्राम डिलीट नहीं मार पा रहा, समझ एक बात है, सारा दिन सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, पढ़ाई में ध्यान कम लगाओ, लक्षण क्या है? वेग स्थिरांक के बारे में तो पढ़ ही लिया हमने, ठीक। अब मेरे बारे में सुन लो, मेरे लक्षण मेरे अपने नहीं बताता, चलो जो वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक के लक्षण हेडिंग बनाओ कॉपी में, वेग स्थिरांक के लक्षण हेडिंग बनाओ, वेग स्थिरांक के लक्षण। तुम्हारे लक्षण सही नहीं है, पहला पॉइंट बेटे वेग स्थिरांक के लक्षण में, पहला पॉइंट हम पढ़ रहे जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर वेग स्थिरांक हो ना, वेग स्थिरांक क्या पढ़ रहे? वेग स्थिरांक के लक्षण, ठीक, वेग स्थिरांक के लक्षण। तो जो वेग स्थिरांक के लक्षण हो उसमें पहला पॉइंट सुनो, पहला पॉइंट पहले सुन लो समझ लो, उसके बाद फिर उन्होंने बताना फिर लिखना। वेग स्थिरांक को कहीं से प्रदर्शित करते हैं?
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, अगर उसके अंदर हमने के का मान निकालना ना, अगर वो आगा ज्यादा, ज्यादा का मतलब उच्च, उच्च का मतलब भाई के का मान बहुत बहुत ज्यादा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में के का मान निकाल लिया, के का नाम क्या हो, वेग स्थिरांक, और के का मान आया बहुत ज्यादा, के का मान उच्च आया, तो इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं वन जो अभिक्रिया होगी बहुत तेज गति के साथ होगी, तीव्र अभिक्रिया होगी, वह कैसी अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, फर्स्ट रिएक्शन होगी, वह जैसे दूध को पानी मिला दिया हो तुरंत मिल जाएगा, आया समझ लो, ये जो लक्षण हो के मान, यानी के मान को तुम देख, अगर के का मान बहुत ज्यादा तुम देख पता लगा लोगे अभिक्रिया बहुत तेज हुई, अगर के का मान बहुत कम देख कर पता लगा लोगे कि के जो अभिक्रिया ना बहुत होले होले हुई, आया समझ लो, यानी के का मान दे पता लग जाएगा, पता लगा कैसे, वो कैसे पता लगा, वो बात पता लगेगा, हम बताएंगे कैसे पता लगेगा, के का मान अगर निम्न हुआ, कैसा हुआ, निम्न निम्न हुआ, के का मान अगर हाई हुआ या के का मान कम हुआ, कम हुआ तो समझ जाओ वो मंद अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा, कौन सी अभिक्रिया, मंद बुद्धि, मंद अभिक्रिया, सारी अपनी बातें बता करो, हाँ अगर के का मान ज्यादा हो तो कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, तीव्र अभिक्रिया, के का मान निम्न हो कम हो तो कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, मंद अभिक्रिया, जो हले हले होती होगी, यानी के मान का एक तो फायदा हुआ, जब के लक्षण पढ़ रहे हैं हम, के का मतलब क्या हो, वेग स्थिरांक या अभिक्रिया की विशिष्ट दर, उसके लक्षण पढ़ रहे हैं, तो उसका ये तो फायदा हुआ कि के का मान देखा, के का मान दिखाओ, हमने कहा चलो एक अभिक्रिया आया, एक अभिक्रिया ए प्लस के बी एरो सी अभिक्रिया है, दूसरी अभिक्रिया एक्स प्लस के वाई इजिक्वस टू जेड, दो अभिक्रिया आया, इसमें जो के का मान है इस वाली अभिक्रिया में जो के का मान 10, कितना 10, और के का मान है इसमें 18, तो के का मान किसमें ज़्यादा, पहली में दूसरी में, तो कौन सी अभिक्रिया इसमें तेज हो रही होगी, कौन सी कम हो रही होगी, धीमी धीमी गति, इसमें तीव्र अभिक्रिया कौन सी और मंद अभिक्रिया कौन सी, पहले वाली मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, कैसे पता लगा तुम्हें बात, के का मान देखकर, अगर के ना हो तो बता देते, यानी के का मान ना तुम बताओ कौन सी अभिक्रिया तेज हो रही, कौन सी होले होले हो रही, यही तो बात बता गई, तो यही तो बात लिखनी, ये के का उच्च मान तीव्र अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, के का निम्न मान मंद अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यही तो इसका लक्षण होगा, लिख ले जाओ, चलो लिखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, पहला पॉइंट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में के का उच्च मान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में के का उच्च मान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में के का उच्च मान कौन सी अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, के का उच्च मान तीव्र अभिक्रिया, इतना लिखना बस, के का उच्च मान तीव्र अभिक्रिया, के का उच्च मान तीव्र अभिक्रिया तथा के का निम्न मान, तथा के का निम्न मान मंद अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तथा के का निम्न मान मंद अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तथा के का निम्न मान मंद अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, इतनी बात बताओ कि समझ में आई कि नहीं आई, बात कुछ समझ ना आई, कमी क्या हमने पाई, इधर कितने पॉइंट हुए, कितने लक्षण होंगे इसके, एक ही तो हुआ, दूसरा 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 बड़ा प्यारा लक्षण देख लो, बड़ा प्यारा लक्षण, बहुत बहुत प्रेम प्रेम भरा लक्षण, दूसरा के का जो मान हो ना बेटे, रासायनिक अभिक्रिया कोई सी भी हो, के का जो मान हो ना, के का मतलब वेग स्थिरांक हो, और ये नियतांक हो एक प्रकार का, और नियतांक का बता क्या मतलब हो, उसको कोई नहीं बदल सकता, नियत होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में के का मान हमेशा फिक्स होगा, फिक्स का मतलब कैसा रहेगा, नियत, नियत खराब नहीं होने की, नियत रहेगा फिक्स, समझ में आई बात है, फिक्स का मतलब क्या है, नियत, बदल नहीं सकता, नियत का मतलब क्या हो, मैंने कहा तुम मुझे नियत कर दो, मैं नियत हूँ, कॉन्स्टेंट हूँ, फिक्स हूँ, स्थिरांक हूँ मैं, इसका मतलब मैं जैसा था ऐसा हूँ और ऐसा रहूँगा, किसी व्यक्ति को तुमने कह दिया ये व्यक्ति बड़ा नियत, नियत होने का मतलब जैसा था ऐसा है ऐसा रहने वाला और कभी बदलने वाला नहीं, इसे बोल लो स्थिरांक, नियतांक, किसी व्यक्ति को कह ये नहीं बदलने वाला, ये तो पक्का नियतांक, क्या है कॉन्स्टेंट, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये नहीं बदलने वाला, ये अपने आपको बदलने का ही नहीं हो ना, एक आधे अराजक तत्व तुम्हारे आसपास पड़ोस में दिखाई देते ऐसे ऐसे जो कभी नहीं बदलने के, उनकी सोच नहीं बदलने की बिल्कुल भी, 50 साल पहले भी ऐसे ही थे, आज वैश्वीकरण के युग में जी रहे तब भी ऐसे ही है, आया समझ में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में कभी आदमी उनकी सोच नहीं बदलने की, क्यों नहीं बदलने की, वे इंसान नहीं है, वे कॉन्स्टेंट है,
उन्हें बोलेंगे नियत स्थिरांक। कह देना तो तू पक्का स्थिरांक, स्थिरांक होने का मतलब तू फिक्स, तू कभी नहीं बदलने वाला। ये सुनो, बदलना चाहिए नहीं चाहिए? बदलना चाहिए, बदलाव कष्टकारक हो। आया समझ में? जो इंसान कभी नहीं बदल सकता ना अपने आप को, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। बदलना बहुत जरूरी। हो सकता पांच साल पहले तुम्हारी जो सोच हो आज ना हो, पांच साल पहले जो तुम्हारे दोस्त थे कैसे अपने बनाए थे, साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ बनेंगे, कहां है तुमने बनाए थे सपने? तुम्हारे दोस्त नहीं आते, बनाए होंगे कि तुम स्कूल में एडमिशन लोगे, हम भी इसी स्कूल में एडमिशन लेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहाँ चला गया फिर ये सब? तबाह होगा नहीं होगा? अच्छा ही बैठ, ये दो चार तो बच गए, बस गिने चुने रह गए अभी। एक जैसे बारहवीं पास कर लोगे, बारहवीं पास करने के बाद ना एक डेढ़ साल तो बाद तुम्हें ऐसा महसूस होगा, इससे बढ़िया यार बारहवीं क्लास ही सही थी। याद करोगे तुम बैठ कर, कम से कम लगन तो थी हमारे अंदर। जब चले जाओगे ना सोचोगे, अभी ये सोचोगे अभी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसका होगा ना जिस दिन, उस तो बढ़िया यार वो पुराने वाली जिंदगी ही सही थी। समझ में आया बात? यार सुकून था उसमें। अगर तुम अपने कैरियर के लिए मेहनत करोगे ना तो तुम्हें सुकून मिलेगा, इतना तुम्हें मस्ती तारने के बाद नहीं मिलने वाला। समझ में आया नहीं? यार कितने लक्षण हो गए? एक दूसरे लक्षण में लिखो, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में के का मान नियत रहता है। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में के का मान नियत रहता है। नियत मतलब फिक्स, कॉन्स्टेंट, नियतांक। क्या लिखे हो? प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में के का मान नियत रहता है। बताओ, जब हम वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ रहे थे तो वेग स्थिरांक अभिकारकों के संदर्भ में निर्भर करता होगा या नहीं करता होगा? अरे भाई आप गलत दिशा से भी जा रहे हैं और आगे भी नहीं देखकर चल रहे हैं। जरा इसका वेग स्थिरांक, वेग नियम लिख दीजिए, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। तो ये जो के हो, के की तो के का नाम ही तो हो वेग स्थिरांक। ये सुनो, जो वेग स्थिरांक हमारे पास मौजूद वेग स्थिरांक, तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज सीख चुके यार हम। ये वेग स्थिरांक हो अभिकारकों के संदर्भ पर निर्भर करता होगा, करता होगा नहीं करता हो? नहीं। तो ये देखिए लक्षण ही अभिकारकों के संदर्भ पर निर्भर नहीं करता। तो लिखो तीसरा लक्षण, वेग स्थिरांक अभिकारकों के संदर्भ पर निर्भर नहीं करता है। वेग स्थिरांक अभिकारकों के संदर्भ पर निर्भर नहीं करता है। वेग स्थिरांक अभिकारकों की संदर्भ पर निर्भर नहीं करता है। ये सुन लो, क्या बोले थे हम तुमको? ये बोले थे ना, अरे इधर देखो रे बबुआ, ये वाली अभिक्रिया देख रहे हो, ये कलर अभिक्रिया है, ये वाली अभिक्रिया देख रहे हो, ये अलग अभिक्रिया है, ये देख रहे हो, ये अभिक्रिया अलग, ये अलग, ये अलग। जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक हो उसका कोई फिक्स मान नहीं होता। अगर इस वाली अभिक्रिया के लिए निकाल लोगे तो अलग आंसर आएगा, इसके लिए निकाल लोगे इसका मात्रक अलग होगा, इसके लिए के का मान अलग होगा। के का मान नहीं, मात्रक की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक हो ना उसका जो मात्रक हो, मान नहीं मात्रक। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया, कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया हो, अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जो वेग स्थिरांक होगा उसका जो मात्रक होगा अलग अलग होगा, निर्भर करता है उसकी कोटि कितनी है। अगर रासायनिक अभिक्रिया की कोटि पता होगी, कोटि क्या हो हम बताएंगे, क्रम जिसे बोल लो, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सब पेपर में आती हैं, ये उसके फेवरेट टॉपिक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक हो ना उसका जो मात्रक हो अलग अलग अभिक्रिया के लिए क्या हो, अलग अलग। आया समझ में? उसका एक कोई फिक्स मात्रक नहीं होता, जिस तरह वेग का मात्रक हो मोल, लेटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? ठीक, चल खड़ा हो, क्या बताइए? प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा हमेशा अलग अलग होगा। ये सुनो,
लिख लो, के का मान, के प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसे लिखो, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है। इतनी बात समझ में आनी है ठीक। मात्रक तो अलग अलग हो ही, मान भी अलग अलग हो, के का मान प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अलग अलग होगा। कितने पॉइंट हो गए? पांचवा पॉइंट लिखो, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मान अलग अलग होता है, विभिन्न विभिन्न होता है। जो तू न मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती, रम नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती। नया टॉपिक, एकदम नया फ्रेशर टॉपिक, इधर 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 इधर। अब तुम्हारी फिर वाट लगने वाली, पूरा फोकस लगा समझना। अब हम हेडिंग पढ़ने वाले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब हो रासायनिक अभिक्रिया की कोटि हेडिंग बनाओ, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि या क्रम, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, इतना बताओ समझ में आया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया की, अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से ठीक। इधर देखो, कोई पूछूंगा तुमसे, बहुत इसे बहुत खाल उतारता हूँ मैं, देख लो, हर साल इस पे मारता हूँ पक्का, छिटते हैं सभी इस पर एक बार तो, क्योंकि एक बार के में जो मैं भाषा बोलता हूँ पकड़ ही नहीं पाते बच्चे। ठीक है जी, दोबारा रिपीट करो, मैं फिर मारता हूँ तुम इससे। देखो, आर बराबर, पहले इसका वेग नियम लिख दो, वेग नियम तो लिख दोगे, आर बराबर के डी की सांद्रता है और प्लस सी की सांद्रता है ना, यही तो चाटा है ऐसा मरो ना, याद रखोगे, समझ में आया? देख रहा हूँ तुम कुछ कर भी रहे नहीं, तुम यहाँ लिखा हुआ ए की सांद्रता, बस कोई दिक्कत है? पढ़ना क्या है?
रासायनिक अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं? ये तो पढ़ना, ध्यान तो सुनना चतरे के। ये रासायनिक अभिक्रिया कुछ भी हो सके, बी सी डी की जगह NaClO H2O फलाना डिमका, बहुत सारी अभिक्रिया दुनिया में। ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियम है, वेग नियम, वेग नियम हम पढ़ क्या रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया की यहां घात कितनी, यहां कितनी, यहां कितनी, ये क्या है? अभिकारक नहीं है, अभिकारक ये अभिकारक की सांद्रता क्या है? ये कौन सा नियम है? तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, अगर रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो वेग नियम हो ना, और वेग नियम के अंदर जो अभिकारक की सांद्रता हो, उसके ऊपर जो घात हो उसे जोड़ लो, जोड़ने के बाद जो भी आगा, घातों का जो जोड़ आगा वही रासायनिक अभिक्रिया कोटि कहलाएगा। चलो जोड़ कर देखेंगे, रासायनिक भी कोटि निकाल लेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया की कोटि निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा 1+1+1 बराबर 1 करोड़। 3 आगा है लिया आंसर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसका मतलब जो ऊपर जो अभिक्रिया लिखी हुई वह तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी, तृतीय कोटि के। इतनी बात बताओ समझ में आई है? ठीक है, तो यह लिखा हुआ ए, यह लिखा हुआ प्लस, यह लिखा हुआ बी, एरो लिखा हुआ सी। इसका वेग नियम लिखो, आर बराबर के ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, उसके बाद कोटि निकाल लो उसकी, तो कोटि निकाल लोगे उसकी तो कितनी बैठेगी? 2। एक एक कितनी बैठेगी? 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब एक एक 2 बैठेगी, हम ऐसा कह सकते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 2 होगी। कोई दिक्कत? ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो यहाँ इसकी कोटि 2 होगी, इसकी कोटि कितनी होगी? 3। इसे ऐसे कह सकते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। लेकिन कैसे निकाल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया की कोटि? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसके वेग नियम जो अभिकारक हो ना, उसकी जो सांद्रता हो, उसकी जो घात हो, उनका योग ही रासायनिक अभिक्रिया कोटि कहलाता होगा। इतनी बात बताओ समझ में आएंगे? तो किसी भी रासायनिक, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कैसी भी हो, उसका वेग नियम लिख दो। वेग नियम में जो अभिकारक होंगे, उनकी जो सांद्रता होगी, उनकी घातों का जो योग होगा, वही रासायनिक अभिक्रिया कोटि कहलाएगा। इतना ही तो बताना, बहुत सिंपल और साधारण तरीके से आया समझ में। अपनी जो क्षेत्रीय भाषा ना, उसमें याद करना। अगर उसमें याद कर लिया ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनेगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होनेगी। ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी, रासायनिक अभिक्रिया जब हमारे पास मौजूद है, ये उसका क्या क्या होगा? वेग नियम नहीं होगा, और वेग नियम में जो अभिकारक होंगे, ये उनकी सांद्रता नहीं होगी, उनकी घात नहीं होगी, उनका योग नहीं होगा, रासायनिक अभिक्रिया कोटि नहीं कहलाएगा। याद नहीं कर लेंगे, सुनाएंगे नहीं, अभी खाल नहीं उतरेगी। बताओ तू है मैं तू हो रासायनिक वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता की घात के योग को क्या कहते हैं? खड़ा रहा, तेन ताल में ताल नहीं लगाया। तू बता बैठ, अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। फोकस लगा लो इनको, देखते तो सुना नहीं जा रहा। खड़ा रहा एक कुछ कोई मैंने कारण मार।